खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। नगर के वन विभाग कार्यालय 2 दिवसीय अनुभूति इको कैंप का आयोजन का शुभारंभ किया गया, जिसमें 9 और 10 जनवरी तक यह कार्यक्रम का आयोजन चलेगा। कार्यक्रम में नगर और पिपलौदा के शासकीय स्कूलों से आए विद्यार्थियों ने सर चढ़कर भाग लिया। रतन सिंह सिगौड़ रेंजर ऑफिसर ने बताया कि 9 जनवरी गुरुवार, 10 जनवरी शुक्रवार 2 दिवसीय अनुभूति इको कैंप का आयोजन प्रारंभ हुआ है, जिसमें पिपलौदा नगर के साथ ही नगर के शासकीय विद्यालयों और शासकीय मॉडल स्कूल के कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी शामिल हुए। आज ये अनुभूति इको कैंप का आयोजन हो रहा है, इसमें हम 2 दिन ये कार्यक्रम चालू रखेंगे, आज 9 और कल 10 को भी। इसमें स्कूली बच्चों को हमने बुलाया है, पिपलौदा के बच्चे हैं और मॉडल स्कूल सेलाना के और स्कूल, 3 स्कूल के बच्चे हैं यहाँ पर। ये क्लास 6 से 12 तक के बच्चे हैं। इसमें हम जो है सुबह से लगे हुए हैं, सुबह 7 बजे 7:30 बजे बच्चे आ गए थे। हमने पहले तो पक्षी दर्शनों का कार्यक्रम रखा था, पक्षी दर्शन करवाए, बाद इनको 9 बजे हमने नाश्ता करवाने के बाद उसके बाद हम ले गए थे इनको यहाँ पर वन भ्रमण करने के लिए। वन भ्रमण के पास एक केदारेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ पर अडवानिया बीट में, तो वहाँ पर भी हम ले गए थे, वहाँ दर्शन करो। फिर वन भ्रमण कोटड़ा के बीट मकोड़ेडुंडी के पी 165 में, वहाँ पर हम पूरे जंगल भ्रमण करवाया है। वहाँ पर पेड़ पौधों के बारे में, घास के बारे में, वन्य प्राणियों की जो विष्ठा मिली थी उसके बारे में हमने इनको पूरी समझाइश दी और वनों से क्या लाभ है उसके बारे में बताया। और ये कार्यक्रम वापस वहाँ से हम यहाँ लगभग 2 बजे हम आ गए थे और उसके बाद भोजन करवाने के बाद अब इनकी एग्ज़ाम 3:20 से चालू की है हमने। ये अभी 1 घंटे का टाइम दिया है तो हमारी एग्ज़ाम अभी चल रही है। उसके बाद इनको फिर पुरस्कार वितरण किया जाएगा। जो निबंध प्रतियोगिता है उसमें हमने वनों का महत्व प्लस पर्यावरण प्रदूषण के बारे में इनको बताया है, तो ये निबंध इस पर लिख रहे हैं। उसके बाद एक हमने एक पेपर बनाया था, उसमें 100 क्वेश्चन है, उसमें भी हमने लगभग 70 या 75 लड़कों ने भाग लिया है, उसमें भी 1st, 2nd, 3rd आएंगे, उनको भी हम 1st, 2nd और 3rd का पुरस्कार वितरण करेंगे। चिल्ड्रेन यहाँ पर हमने ला रखी है। उसके बाद जो है हमारा फिर पुरस्कार वितरण के बाद फिर इसका समापन हम लगभग 5:30 बजे के आसपास हम करेंगे। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ये है कि ये नई पीढ़ी जो शिक्षा प्राप्त कर रही है स्कूली बच्चों को, मध्य प्रदेश सरकार शासन द्वारा ये स्कूली बच्चों को अनुभूति को कैंप के रूप में शासन के निर्देश अनुसार ये कार्यक्रम चल रहे हैं। ये हमारा 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक का कार्यक्रम चल रहा है आल एमपी में। तो हमारा कार्यक्रम 9 से 10 1% सैलाना के अंदर के चालू है। ये बच्चों को वनों के बारे में समझाई देने के लिए कि वन लगातार कुछ घटते नज़र आते हैं, इसलिए पर्यावरण के बारे में, वनों के बारे में इनको समझाई देना अति आवश्यक है, ऐसी शासन की मंशा है। उसके अनुसार जो है ये इको कैंप पर कार्यक्रम चल रहे हैं। रतलाम से नारायण चौधरी की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।